हेलो एवरीवन, मैं समन सिमरन। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ शब-ए-बारात स्पेशल में सूजी टुकड़ी हलवा की रेसिपी। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, ये काफ़ी क्रिस्पी भी बनकर तैयार हुआ है। और तो मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के ये कैसा बना है। ये देखिए कितना क्रंची बनकर तैयार हुआ है। तो आइए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाया जाता है। इस हलवा को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्लेट ले लेंगे और उस पर डाल देंगे हम घी और प्लेट को ग्रीस कर लें। आप चाहें तो यहाँ पे किसी बेकिंग ट्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने प्लेट को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। तो अब हम इसे साइड पे रख देंगे। तो सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, नॉनस्टिक की पैन ली है यहाँ पे मैंने, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/3 कप पानी और 1/2 कप चीनी। अब इसमें डाल दें 2 इलायची, फ्लेम को कर दें मीडियम और इसे हम चला लेंगे। इसे लगातार चलाते रहें। आप चाहें तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच केवरा का एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए, करीब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और चाशनी में एक अच्छा सा उबाल भी आ रहा है। और अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर लूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे चेक करके। ये देखिए, ये बिल्कुल चिपक रहा है हाथ में, ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए इसकी। तो अब हम इसे साइड पे रख देंगे। तो अब दूसरी कढ़ाई ले ली है मैंने, कढ़ाई के फ्लेम को भी मैंने ऑन कर लिया है और फ्लेम हाई है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप सूजी और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। फ्लेम को कर देंगे हम मीडियम। सूजी को हमें धीरे धीरे भूनना है। ये देखिए, मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए करीब 2 मिनट हो चुके हैं और सूजी ने हल्का हल्का अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। तो हम इसे करीब और 2 मिनट के लिए इसी तरीके से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इस बात का सिर्फ आप ध्यान रखें कि सूजी की जब भी टुकड़ी हलवा आप बनाएं तो सही मेज़र के साथ आप इसे बनाएं, वरना आपका हलवा क्रंची बनकर तैयार नहीं होगा। ये देखिए, और 2 मिनट हो चुके हैं और सूजी का कच्चापन भी अब चला गया है। अब इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/3 कप घी। यहाँ पे मेरे पास देसी घी है, आप चाहें तो वनस्पति घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सूजी इकट्ठा होने लगा है। पूरी सूजी को एक साथ मिला लें घी के साथ और इसे हम करीब 2 मिनट के लिए और चलाएंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखें। ये देखिए, करीब 2 मिनट हो चुके हैं सूजी को भूनते हुए और इसका कलर अब और ज़्यादा डार्क होने लगा है। तो अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर लूँगी। इसे लगातार चलाते रहे वरना सूजी नीचे से पकता रहेगा। अब हम एक स्ट्रेनर ले लेंगे और उसमें डाल देंगे इस चाशनी को। पूरे चाशनी को डाल दें। अब फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। फ्लेम को कर दें लो और चाशनी और सूजी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं चाशनी और सूजी इकट्ठा हो चुकी है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पे ले लूँगी ग्रीस किया हुआ प्लेट और इसमें डाल दें इस सूजी के मिक्सचर को। इसको फैला लें। इसकी थिकनेस आप अपने पसंद की रख सकते हैं। ये ज़्यादा पतला भी नहीं होता है तो ज़्यादा मोटा भी नहीं होता है। अच्छे से फैला लें, इवेनली स्प्रेड कर लें पूरे प्लेट पे। ये देखिए, मैंने सूजी के मिक्सचर को डाल दिया है। तो अब मैं इस पर ग्रेट कर दूँगी यहाँ पे बादाम। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें। इन्हें अच्छे से फैला लें। अब इस पर डाल दें पिस्ता के कतरन। आप चाहें तो यहाँ पे नारियल के बुरादा का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इन्हें सेट कर लें इस पर, क्योंकि यह सही टाइम है इसे सेट करने के लिए, ना जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसे सेट नहीं कर पाएंगे। तो अब एक मैं नाइफ ले लूँगी और इसमें कट लगा दूँगी इस तरीके से, ताकि ये ठंडा होने पे आसानी से कट के निकल जाए। मैं इसे डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से कर लें। पूरे हलवे पे हम इसी तरीके का कट लगा लेंगे। देखिए, मैंने हलवा पे कट भी लगा लिया है। तो अब हम इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए। 2 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बनकर तैयार हुआ है। करीब 2 घंटे हो चुके हैं और मैंने जैसे आपको कहा था कि इसमें कट लगा देते हैं ताकि ये इजिली निकल जाए। तो आप देख सकते हैं अब ये कट भी उभर चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, प्लेट को ग्रीस करने से ये बहुत इजिली निकल भी गया है और आप देख सकते हैं ये काफी ज्यादा क्रंची भी है। ये देखिए, मैंने हलवा को प्लेट में निकाल दिया है। तो अगर आपको मेरी ये सूजी टुकड़ी हलवा की रेसिपी अच्छी लगी है, नीचे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।